वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम आ रखे हैं गोपेश्वर, अभी आपको दिखाएंगे गोपेश्वर कैसा है। तो गाइज आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गोपेश्वर का मेन बाजार है। तो ये मंदिर मार्ग रोड है और अभी हम जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर की तरफ, और गोपीनाथ की वजह से इस रोड का नाम मंदिर मार्ग पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये गोपीनाथ के फ्रंट साइड का व्यू है। ये गोपीनाथ के बैक साइड का व्यू है। यहाँ पे पुराने स्टाइल में बनी हुई दो तीन मकाने हैं, और जो बाबा जी आप यहाँ पे देख रहे हो, इनसे हम थोड़ी देर में पूछेंगे गोपीनाथ का इतिहास क्या है। तो गाइज हम अभी दर्शन करके अभी बाहर आ रखें और अभी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाबा जी हमें अभी प्रसाद दिया है, उनसे पूछते हैं यहाँ का इतिहास क्या है। इच्छा हुई कि हमने जो है रासलीला देखनी है। अच्छा। तो जो है वो गोपी का रूप लेके गए थे। अच्छा। और गोपी का रूप लेके उन्होंने जो है रासलीला में पहुंच गए। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने जान लिया, फिर उनको गोपीनाथ नाम दिया उन्होंने। अच्छा। इस मंदिर तब तब से इनका शिव जी का नाम गोपीनाथ पड़ा है। अच्छा। और वैसे बहुत पुराने समय में इसको गोथला कहते थे। अच्छा। गोपेश्वर को गोथला, इधर बैतरणी की तरफ पड़ता है जगह। अच्छा। जहाँ पे गायें वगैरह ये वो रहती थी। तो जुग जुग के हिसाब से गोकुल जो है। अच्छा। यहीं पे गोकुल था, बहुत से ऐसे कहते हैं। यहाँ पे रतिकुंड है आगे, जहाँ पे वो शिव जी को भस्म किया था। त्रिशूल वगैरह है, ये आकाश भैरव का त्रिशूल है ये। अच्छा। इसकी भी कहानी ऐसी, जब यहाँ गढ़वाल में और गोरखा लोगों में, गोरखा जी कहते हैं उनको। अच्छा। जब कहीं उनका संग्राम हो गया था, तब ये लोग इस त्रिशूल को लेके चल दिए रहे थे। अच्छा। तो जो है आगे जाते ही इधर थोड़ी दूरी पे, दो तीन किलोमीटर पे एक पटियाल धार पड़ती है जगह। हाँ, नीचे नीचे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर जो है वो पटाल याने, जैसे ये हमारे छतों पे रहते हैं। हाँ, पत्थर के पटाल। पटाल, हाँ, पटाल। तो पटालों की बारिश होने लग गई वहाँ पे। अच्छा। तब वो कुछ वहाँ पे ख़त्म हुए, दब गए। तब उनमें कुछ बुद्धिजीवी रहा, उसने बोला भाई ये सब त्रिशूल की वजह से हो रहा है, तो इसलिए वापस ला के उन्होंने त्रिशूल रख दिया। अच्छा। और त्रिशूल का एक महात्म है, इस पर एक श्लोक लिखा हुआ है। अच्छा। जो है इसको अगर हम कनिष्ठ उंगली से इसको छुएंगे तो हमारे सब आदि व्याधि वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी। अच्छा। ऐसा कुछ। और यहाँ पे एक वृक्ष है सामने, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। अच्छा। जब से मंदिर है तो इस नस्ल का तो वो नहीं रहता है, वृक्ष नहीं रहता है, एक साल भर भी नहीं रहता है, लेकिन अच्छा। ये युगों से चले आ रहा है, जब से मंदिर है तब से ये वृक्ष है। यहाँ पे हरदम फूल होते रहते हैं, हरदम हरा ही रहता है ये, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा। कहीं फूल आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं ऐसे। ठीक। इसी के नीचे अनुसुईया माता का मंदिर है, और उधर पांडवों ने वो गणेश और उधर जो शिवलिंग है। अच्छा। वो शिवलिंग मुनि की स्थापना करी हुई है, क्योंकि ये स्थान जो है बद्री केदार के मध्य का स्थान है। अच्छा। पहले कहते थे कि 51 माइल जो है, 51 मील का हिसाब अब किलोमीटर है। अच्छा। 51 माइल जो है के बाबा केदार थे, और 51 माइल ही जो है ये बद्रीनाथ जी थे, या पैदल के मार्ग में। अच्छा। तब जो है वो, तब से जो है ये मध्य की जगह है यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसा भी कुछ कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने सबसे पहले जब आए थे उत्तराखंड में। अच्छा। तो यहीं पे इन मूर्तियों, ये शिवलिंग की और इसकी स्थापना करी थी। अच्छा। गोपीनाथ जी तो जब बहुत झाड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें थी उसमें दबी थी। अच्छा। तो यहाँ से गाय आती थी सगर से, जहाँ राजा सगर की तपस्वली थी। तो जो है वो गाय यहाँ आके उस लिंग पे दूध डालती थी। अच्छा। तब बोले देखे उन्होंने, भाई ये रोज़ गाय जाती कहाँ है। तब ये गाय को ढूंढने आए तो वो यहाँ दूध दे रही थी उस लिंग पे, जो अंदर है यहाँ, जो अंदर लिंग। अच्छा। है जो आप लिंग है वो। हाँ हाँ। बस उस पे जो है गाय वो दूध देती थी। तब उसने जो है
गाय को जबरदस्ती पूंछ पकड़ के ले जा रहा था कुछ पहले, अब तो वो हो गया ना। अच्छा। नहीं तो गाय के खुर के निशान दिखते थे यहाँ। अच्छा। पे बैतरणी की तरफ। अच्छा अच्छा। तो ये कुछ कहते हैं बाबा राजा सगर ने ये बनाया था मंदिर। अच्छा। तो रावल आते थे जो खत्म होते थे तो उनका एक एक लिंग की स्थापना होती थी। अच्छा। ये जितने हम सामने देख रहे हैं और इनकी समाधियाँ जो है इधर बनी हुई है बैतरणी की तरफ। अच्छा। तीन चार समाधियाँ। देखिए गाइस कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे टूरिस्टों की, काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे मंदिर देखने। तो गाइस ये है बैतरणी ताल का गेट। अरे गोपीनाथ मंदिर से बस 10-15 मिनट की पैदल दूरी पे है, आप आराम से आ सकते हो इधर। गाड़ियों के लिए पार्किंग की भी है, स्पेस का भी। हेलो गाइस, तो ये बैतरणी कुंड है इस जगह का नाम, और यहाँ देखिए कितने सुंदर मंदिर हैं। तो अभी हम गोपेश्वर मेन स्टेशन पे हैं और यहाँ से जा रहे हैं महात्मा गांधी पार्क। इतना सुंदर पार्क बना हुआ है। अभी तो दिन है, दिन के टाइम पे तो भीड़ है नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों इतना घूमने के बाद थोड़ा थकान लग गई है और अभी हम यहाँ महात्मा गांधी पार्क में आए हैं, तो थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और तब तक आप भी आगे की वीडियोज़ का मज़ा लीजिए। हेलो गाइस, तो हमने काफ़ी धूप सेक ली यहाँ पे, काफ़ी मस्ती कर ली, अब निकल। हेलो दोस्तों, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये गोपेश्वर का स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो गोपेश्वर के इस फील्ड में ही सारी स्कूल की रैलियाँ होती हैं, और जैसे कि कॉलेज या स्कूल के जो चैम्पियनशिप होते हैं, जितने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैम्पियनशिप सारी इधर ही होती हैं, और यहाँ पर शाम को सारे बच्चे आते हैं अपनी गेम की प्रैक्टिस के लिए। मैं और पीयूष अभी यहाँ स्टेडियम का जायजा लेते हुए क्यों पीयूष यहीं रहता है गोपेश्वर में, तो ये आता रहता है यहाँ पे डेली शाम को क्रिकेट या फुटबॉल या बास्केटबॉल की या वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए आते रहता है। हेलो गाइस, तो अभी हम गोपेश्वर के इको पार्क में आ रखे हैं और यहाँ का नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अगर आप गोपेश्वर के नियर बाय किसी एरिया में रहते हो तो आप यहाँ आके सारी नर्सरीज के जो भी आपके चॉइस के पौधे होंगे उन्हें आप खरीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांटेशन है, अभी आप आगे देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हर टाइप के छोटे छोटे पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं और सारे अच्छे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं सारे के सारे। तो दोस्तों ये आप इको पार्क देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है जो कि गोपेश्वर में है ये पार्क। तो बताइए हमें कमेंट में कैसा लगा आपको ये पार्क। तो ये गोपेश्वर का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी ऐसी और ब्लॉग में। बाय बाय।